ये लोग और गौस साहब जो आखिरी में जो थे, लास्ट जो सदर सदारत जो थी उनके पास, उन्होंने जो है ना एक उम्र होने के बाद में, एक एज होने के बाद तो कोई भी जरा काम उतना ही नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने बोले तुम एक्टिव है मियां, तुम काम कर सकते, तुम रहना, तुम जो है ऑनेस्टली काम कर रहे फलाह बहबूद का, बल्कि उन्होंने बुलाकर जो है मेरे को ये सदारत दिए। तो मैं जो है ना इसको मैं कबूल कर रहे नहीं थे, मगर सब लोग बोलने से मैं इसको कबूल कर आया सदारत को, मगर चलो एक अल्लाह में खिदमत का मौका दे रहा अपने को, बोल के हम काम करें, काम करते हुए आ रहे। ये नहीं कि हम सदर नहीं भी थे तो जो है ना उस टाइम पे भी जो है ना कुछ भी जानवर रोक रहे, कुछ भी अच्छा बुरा जमीतुल खुरैश का कुछ भी प्रॉब्लम है तो बड़े लोग भी हमारे से नुमाइंदगी करे, तो हम जो है ना जो भी सीएम रहे उनका ले आते थे, जो भी मिनिस्टर उनसे काम लेना है, ऑफिसर उनसे लेना है, जो भी प्रेजिडेंट कमिश्नर थे उनसे काम लेते थे, जो भी मतलब ये काम चलते हुए आया। मतलब अभी ये क्या है, जमात में हमारे जो है असासे ज़्यादा है, बड़े लोग भी रखे गए, फिर हम लोग भी जो 14 साल में जो डेवलपमेंट करे जमात को, आमदनी भी बढ़ाए, तो ये आमदनी की ऊपर नज़र है ये लोगों की। ये सिर्फ कोई ज़्यादा लोग नहीं है, असल ये लोगों को सस्पेंड किया गया, बल्कि जो है ना ये लोग इसके खिलाफ बात कर रहे, 4 बच्चों को लगा दिए लोग, खाली तुम लोग क्लिपा डालते रहो, गलत प्रोपेगंडा करते रहो, मतलब पीछे से जो है ना 4-5 जने बड़े लोग आए, ये जिसमें एक खादर साहब है, एक दाढ़ी रखे टोपी पहन के नमाज पढ़ के जो है ना ऐसे झूठे अल्फाज बयान करना अच्छी चीज़ नहीं है ना, क्योंकि हम किसी के बारे में नुक्ताचीनी नहीं कर रहे, हम ये जमात है, सबकी जमात है, जमीतुल खुरैश हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद की जमात है, यही नहीं हम, मैं तो ऑल इंडिया का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ भाई, जमीतुल खुरैश ऑल इंडिया का भी, मगर हम सब मिल के काम करना है, गरीबों की मदद करना है, वो छोड़ के जो है ना जब से 3-4 साल से इनको जनरल सेक्रेटरी से हटाए, जब से फिसाद चालू कर दिए, जो प्रेजिडेंट जनरल सेक्रेटरी है उसके खिलाफ करे, फिर अब उन्हें भी कुछ गलत काम करे बल्कि उनको हटाए, तो जो है ना अब फिर अब जो जनरल सेक्रेटरी बनाए उनको हटाओ बल्कि फिर एक प्रोपेगंडा चालू करे। मैं नहीं हटा था, नहीं हटा क्योंकि एक अच्छा काम हो रहा, जमात में काम हो रहा, जमात में टाइम दे रहे सब, टाइम दे के सब मिलके काम करना है, फ्री सर्विस कर रहे, कोई सैलरी है ना यहाँ पर, कोई टीएडी है, कोई चीज़ नहीं है, फलाई बहबूद का काम है, सब मिलके जो है ना सपोर्ट करना है ब्रदरी का। हम जो है ना आज तक जो है कभी भी बेवाओं को 200 रुपये देते थे, 200 बेवाएँ थे पहले, आज 750 बेवाओं को जो है अल्लाह के करम से 500 रुपये दे रहे। अभी परसों आमेला की मीटिंग में जो है ना 1000 रुपये देना बोल के हम लोग डिसीजन लिए उसका, फिर शादी के लिए शादी फंड 10,000 देना बोल के ये करे, फिर जो है ना कोविड का अगर कोई सीरियस है पेशेंट तो जो है ना बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा तो 50,000 रुपये देना, कैंसर को, लीवर को, हार्ट किडनी बात करिए आप लोग, तो किडनी लीवर हार्ट ये सब जो जो भी मराज है, इन मरीज है उनके लिए भी जो है ना 25,000 रुपये देना है, और जो घरों में इलाज करा रहे हैं उनको 10,000 देना है, बड़े हॉस्पिटलों में कराए तो 25,000 रुपये देना है बोल के हम लोग एक डिसीजन लिए पूरी आमेला की मीटिंग में, पूरे होदेदार सब मिलकर। मैं एक डिसीजन नहीं लेता यहाँ पर, जमात पूरों की है, एक से जमात नहीं चलती। अब उन लोगों को क्या है, मैं कांटा बने हुआ हूँ, जैसा बगबोट में बहुत सारे लोग जो है ना मतलब मेरे खिलाफ रहते खाने नहीं मिलता बोल के, उसी तरीके से यहाँ भी जो है खाने नहीं मिल रहा है लोगों को, 1 रुपया खाने नहीं मिल रहा बोल के जो है ना कोई चीज़ पे इन लोग नॉमिनेशन नहीं कर सक रहे बोल के जो है मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा, गलत प्रोपेगंडा करके पब्लिक को भयगा रहे, और जो है ना ये व्हाट्सअपों पे जो है ना डेली 10-12 क्लिपा डाल के जो है ना मेरे खिलाफ, काम के खिलाफ, गुत्तेदार के खिलाफ। स्लाटर हाउस जो है पहले मुंबई वाले लिए थे रमनासपुरे का, हम स्लाटर हाउस जो है हम हमारे बच्चे लिए अनमोल ट्रेडिंग के नाम पे, वो लोग अपना कलेक्शन 150 रुपये लेना बोल के है, कल वो भी बोले 20 रुपये 30 रुपये, कौन बोले झूठे बताएं, हर चीज़ झूठ। वहाँ पर जो है जमात के लोग बोले नहीं भाई 80 रुपये लेना है तो 80 रुपये लो बोल के हम लोग एक डिसीजन लिए, टेंडर छूटा 150 रुपये लेना बोल के, उल्टा जमात को डोनेट करे थे, जमात में आपस में लड़के वो गुत्तेदार के खिलाफ लड़के उसको डैमेज करके जो है ना चलो फिर नया होना गुत्ता बोल के, फिर आमेला जो है जिसका गुत्ता था उसको वापस कर दी नमनासपुरे का, उसके बाद भी जो है ना इंतजार अब कुछ भी नहीं मिल रहा बोल के कैसा फिसाद लगाना है, क्लिपा डालो कुछ भी गैर गलत बोलने लगा दे रहे, तुम क्या करे 20 साल पहले क्या करे, 15 साल पहले क्या करे, अरे भाई अपना माजी का तुम भी देखो, मतलब हम तो 1 रुपये के रवादार नहीं है, कहीं बता दो 1 रुपया भी अगर हम लिए या जमात से या एक 1,000 रुपये हमारी जात पे खर्चा करे या कुछ बताओ, हम तो भी 1,00,000 रुपये जमात को दिए कभी लिए ना वापिस, इन्हों क्या दिए 1 रुपया जमात को डोनेशन करे क्या बताइए आप, मैं बताना चाह रहा हूँ जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं।
ये गलत है सरासर। अल्लाह को हाजिर नाजी जान के बात करो, जो भी बात कर रहे हैं समझे आप। घर पर रह जाओ, खबर भर रही आओ तो भी जो ना मैक लेके झूठे सच्चे बात कर रहे मैक लेके, ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह से डरो, सदर से डरने की जरूरत नहीं है, किसी होदेदार से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस से नहीं। आप अल्लाह से डर के काम करो, सब चीज़ अच्छी रहेंगी, आपका घर भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे। खाली बिल्ली के जो है झूठे बात करके ये सिर्फ चार जने फिजा फैला रहे और इनको मुअत्तल कर दिए लोगों को जमात में, आमेला की मीटिंग में लोगों को मुअत्तल कर दिए। ये नवाब साहब बोल के इसाक खदीर बोल के है, उन्होंने जितने गिटे होते जमीन में भी है उनको भी, और तुम्हारे मंसूर चौधरी उन्हें भी जो है ना खाली फिसाद लगा के। फिर इसमें बहुत सारे लोग हैं, नामा पढ़ लेते नहीं बोल सकते अपन, कौन बोल रहे थे जब उतने जर्फ वाले थे उन्होंने तो पेपर की क्यों जलाए, पेपर जलाए सो हमको मालूम नहीं, दो महीने के बाद मालूम हुआ हिसाब होंगे पेपर जलाए, जब उन्होंने जनरल सेक्रेटरी थे कैसा चलाते पेपर, नहीं दीमक लग गई थी पेपरों को। अरे भाई सदर की नॉलेज में नहीं, जमात को किसको भी नहीं मालूम, अब पेपर जला के क्या चाह रहे आप, फिर साबिका जनरल सेक्रेटरी पे इल्ज़ाम लगा रहे आप। अरे इल्ज़ाम लगाए तो प्रूफ करो, प्रूफ भी नहीं कर सके, खाली हिसाबा बताओ हिसाबा बताओ तीन चार साल से भाई। अरे भाई फलाई बहबूद का काम करना है जमात में, आओ सीधा अच्छी नीयत से आओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आओ, आके खुले दिल से काम करो, हम आपके साथ है। आप दिल में एक ऊपर एक शो एक, खाली टोपी पहन के दाढ़ी पहन के शो करे तो होता आप नहीं, दिल से काम करो, अल्लाह को डर के काम करो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करो। आप है कौन, आप जमात पूरों की है, आप अकेले की नहीं है, चार जनों की, खाली पालम रोड की गली की नहीं है जमात, जमात पूरे ग्रेटर हैदराबाद की है, पूरे लोग बात कर सकते हैं इसमें, खाली हम जो बोले वो होना, खाली पालम रोड पे खाली कमेला वही है ना दूध बड़ी, खाली वो गली में करके बेचारे वो जो जानवर छीलने वाले जो व्यापारी लोग हैं उन लोगों क्या करते, गेटा बंद कर देके थोड़े लोगों को जमा करके चलो बांटना अपना रोज कमाए तो खाने का रहता बेचारों को, उनके ऊपर जो है ना गलत प्रोपेगंडा करना, सदर जो है जुल्म कर रहे, क्या जुल्म करे भाई, एक तो बता दो आप हा? हम फलाह बहबूद का काम करते हैं, हम 30% मैं अपनी जात से जो है ना गरीबों को बगैर उसके हमारे पास, हम उसको शो नहीं कर सकते उसको, हम खुद बगैर उसके काम करते हैं, ये जमात से हटके, जमात का अलग काम होता हमारा पर्सनल अलग काम होता। दो सालों में इसलिए कि उनको सस्पेंड करे बोल के हटाए बोल के, जनरल सेक्रेटरी नहीं दिए बोल के, ये दो तीन जने मिलके फिसाद लगा रहे, और वो भी फिसाद कहाँ लगा रहे, पूरे हैदराबाद में नहीं है, खाली दूध बोली कमे लेकर नहीं, क्या करते हैं लोग, एक उन लोगों को एक दिमाग में ये आ गया कि कमेले की गेट बंद करो, पूरे लोग बाहर निकलते जानवर जहाँ बिकते वो पब्लिक को ले लेके मीडिया वालों को बुला लेके क्या बोलते, इतनी पब्लिक साथ है कोई इनके साथ नहीं है, वोटिंग करा लो, वोटिंग कराए तो जो है ना उनके उनके घर के वोटा नहीं गिरते पूरे, अगर नहीं है सस्पेंड कर दिया उनको कल, क्या कल दिया ना कल सोसाइटी से निकाले क्या उनका क्या? आज नहीं भाई एक मिनट साहब, इसके अंदर तो कुरैशी बिरादरी को बदनाम नहीं कर सकते, जमात आज हम सदर है कल नहीं है, मगर जमात अपनी जगह है, बड़े लोग रखे कैसे जमात है, बड़े लोग कायम करे सो है, इसको बदलाम नहीं कर सकते, इन्हों तो भी बदलाम जमाना है, इनके तो भी धंधे पानी अलग है, लोगों के झूठ बोलना बट्टेबाजी करना लैंड ग्रैबिंग करना वो करना, ये खदीर हो या और कोई भी हो सो गलत गलत कामों में इन्वॉल्व है लोग जो भी है वहाँ पर, ये लोग क्या मैं नामा नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी है ना सब इनको जमात लाइक करती नहीं, इनको जमात में 2 लाख मेंबर्स है, 2 लाख इनके साथ सिर्फ 10-15-20 आदमी नहीं है, वो भी इनके खानदान के जाना, कल अरेस्ट करी कल पुलिस तो जो है खाली उनके रिश्तेदारों को लाके पुलिस स्टेशन करे, मीडिया के सामने बात कर रहे, चार छह जने थे अरेस्ट, ये क्लिपा जो डाले ये लोग क्लिपा डाल के गलत गलत व्यवहार करा रहे, वर्गल लैंग्वेज यूज कर रहे और सदर को बोल रहे जमात को बोल रहे, जमात के अहदेदार सही नहीं है इन्हों ही सही है बोल के बता रहे, तो जमात को डिजॉल्व करो बोल रहे, जमात मैं तो तैयार हूँ आज भी आओ इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़के जीते हम तो इलेक्शन में नामिनेशन में आप भी डालना था सबको राइट से डालने का, भाई अकेला ही नहीं है ना भाई, तो यूनानिमस हम इलेक्ट हुए, अब इलेक्शन जब हुआ एक साल पहले 20 में जब आप क्यों नहीं लड़े फिर, हम तो ओपन था, ये चार आदमी चार इलेक्शन ऑफिसर थे, मुखीद एडवोकेट मुजीब एडवोकेट और बड़े बड़े लोग इसके जिम्मेदार थे, इसके उसके फोटो भी है, एक मिनट गुप्ता जो है ना उन्होंने चलाते वहाँ पर कमेले कने, तो इनो जो है मंसूर चौधरी चाकों से डराना, वहाँ उनके साथ एक खालिद बोल के चाकों से डराना बच्चों को, इनो तो जाते नहीं भाई, जाते ना कोई जाते वहाँ चाकों से डराना धमकाना, मतलब ये गलत है ऐसा है वैसा है, फीस नहीं देना,
10 जनवरी कटाए तो 5 जनवरी की फीस देना। सुने अब ऐसे गलत गलत तरीके से ये करते रहते। अब और 10 लाख रुपए खालिद बोलने वाले पूछे गए थे, उन्होंने 10 पैसे भी नहीं दिए। ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है, ये लोगों का काम धंधा नहीं है। मंसूर चौधरी को डोरी कैसे, उसकी बीवी छोड़ के चले गई, सो डोरी कैसे उसके ऊपर, पर्सनल बोलना नहीं है, बहुत से लपड़े हैं लोगों के। हम नहीं बोलना चाह रहे किसी के बारे में, अगर बोलने बैठे तो शाम हो जाती है लोगों का, जो 4-6 जने हैं। तो मैं, मेरे को कोई चीज़ बोलना नहीं है किसी के बारे में पर्सनल, मगर मेरी पूरी कुरैश बरादरी से भी अपील है कि आप लोगों के लिए जमात खाना खुला है, या 4 मुंशियाँ भी है, कोई चीज़ का भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट आ सकते हैं। मुनीर साहब जनरल सेक्रेटरी है, या टाइम देते, फिर कल 4-5 नए मेंबरों को भी डाले हम लोग, वो लोग भी टाइम देंगे, यहीं रहते हैं वो लोग भी, वो लोग पूरा जमात का फलाह बहबूद का काम करेंगे, और हम भी जो है पूरे तरीके से। आज बोले तो मैं हटने को तैयार हूँ, मगर कोई हटने नहीं दे रहे मेरे को, नहीं आप ही रहना बोल के पूरी जमात का ही है। ये 4-6 जने इलेक्शन करा बोलते, इलेक्शन थोड़े होता, इलेक्शन के भी कुछ रूल्स है। सदर रियासती हमारे सदर है, मुंतखिब सदर है, आखिरी बार इनका इलेक्शन 2020 में हुआ था, जिसमें जनाब चौधरी और सदर मुंतखिब हो गए। इस इलेक्शन की निगरानी दीगर 3-4 साथियों ने की, मुद्दत है सदारत 29 जनवरी 2020 से 28 जनवरी वजीर दाखिला तेलंगाना जिले में से लेकी और मुमताज दीगर का मसला है। एसी गार्ड के अंदर सलीम साहब की ठियात वाफिर मकदार में बिरादरी को आमदनी होती है, 500 रुपये वजीफा दिया जाता है, फी शादी जो मुस्तहिक लोग आके शादी के लिए इनका तलब करता ना, स्कॉलरशिप दी जाती है, और मई रिबन मदद के लिए 50,000 रुपये से उनकी अमराज में जो लोग मुबतला है उनकी वक्तन फोक्तन कुल है, जो कई जमाने से हमारे पास कायम है स्कूल में, जो बिरादरी जो अभी देर तक मिल रही है, जानने के लिए कि हैदराबाद में हमारी उन्हें भी बिरादरी की जानी से वजीफा दिया जाता है। और 2020 के लॉकडाउन में तकरीबन 1600 बिरादरा ने गुरेज भी अमल में आई, इसके अलावा किए थे सर्टिफिकेट इलेक्शन कमिश्नर वगैरह सब, हाँ पूरा पूरे जब्ते की तकमील के साथ पूरे हिसाब किताब से इलेक्शन हुआ। नहीं नहीं ये लोग ही बता लें, ये फोटो देखिए आपके पास, मोहम्मद अली साहब जो है सर्टिफिकेट दे रहे हैं सदर साहब को। सलीम साहब, सलीम साहब।